इंडिया वर्ल्ड 360 में आपका स्वागत है और भारत के ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास के बारे में एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि औंगली माल के बारे में आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा। और आज एक भारत की धरती श्रावस्ती जनपद में औंगली माल गुफा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको तरह तरह से मिली होंगी, लेकिन आज मैं वही औंगली माल की गुफा सामने आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ और उस जगह के बारे में आपको दिखाते चलो और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं और औंगली माल के जीवन पर आधारित सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ और सारे जानकारी भी आपको हम देते चल रहे हैं। तो आइए सारी चीज़ें आपको हम बताते चलें, दिखाते चलें कि औंगली माल की गुफा और औंगली माल के जीवन से बहुत सारे जुड़े हुए तथ्य को। आइए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जो भारत में उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती एक जनपद आता है और गौतम बुद्ध और औंगली माल के बारे में आपने कई बार किताबों में भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों से सुना भी होगा कि औंगली माल एक बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था और औंगली माल लोगों की हत्याएं करना और लोगों को लूटना, ये सारी चीज़ें कई किंवदंतियाँ आप लोगों के दिमाग में हमेशा बनी रहती होंगी कि औंगली माल एक बहुत बड़ा डाकू था। और तो औंगली माल के जीवन में आज हम आपको उनके जीवन से परिचय कराते हुए औंगली माल की ये गुफा है, आप ये देख रहे हैं दूर से, ये औंगली माल की वो गुफा है जिस गुफा में औंगली माल रहता था। और औंगली माल का वो गुफा, ये कहते हैं 2700 साल पुरानी ये गुफा है, मतलब 2700 साल पुरानी ये गुफा है। आइए अंदर से दिखाते हुए चलें आपको। मेरे इस चैनल में मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मेरा प्रयास यही है कि इस चैनल के द्वारा आपको भारत के बारे में वो सारी चीज़ें जानकारी मिले जो आपने कभी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा। ये देखिए वो औंगली माल गुफा, ये एक बहुत पहले मैं आया था, करीब आज से 10 साल पहले, तो ये सारे चैनल और ये सब ग्रिलिंग नहीं लगी हुई थी और ऊपर जाके मैं गुफा के अंदर भी मैं गया था, लेकिन धीरे धीरे ये जर्जर होने के नाते जो है ये सब चैनल और रेलिंग लगा दी गई कि लोग अंदर ना जा सकें क्योंकि अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा। देखें यही वो मुख्य द्वार है, ये देखिए अंदर जाने के लिए अब सख्त मना कर दिया गया है, ये आप देख रहे हैं क्योंकि जर्जर हो चुका है, क्योंकि लोग अंदर जाएंगे और कहीं ना कहीं आप समझ ही रहे हैं कि लोग कितनी ज़िम्मेदारी से सारी चीज़ों को देखते हैं हमारे भारत देश में। तो ये वो इधर से एक रास्ता है, बीच में एक आंगन भी है और यही वो औंगली माल यहाँ रहा करता था। औंगली माल के ऊपर पूरे जीवन में मैं बताऊँ कि क्या उनकी घटनाएँ थी। औंगली माल के लिए बताया जाता है कि वो बचपन में बहुत ही पढ़ने में होशियार थे और उनके सहपाठी जितने भी थे उनके साथ पढ़ने वाले वो भी उनसे थोड़ा सा, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा तेज तरार थे तो सारे सहपाठी उनसे ईर्ष्या करते थे। सारे सहपाठियों के दिमाग में एक षड्यंत्र आया कि कहीं ना कहीं इनको अपमानित किया जाए और गुरु के द्वारा एक दंड दिलाया जाए। देखिए आप देखते चलिए, कुछ लोग स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग? गिलोला के पास से। अच्छा गिलोला, गिलोला कहाँ? वही एटीएस के पास में? नो सर, यहाँ गिलोला है पर कुटैना मोड़ के पास। अच्छा कुटैना मोड़, अच्छा सर। तो किस क्लास में आप लोग? सर 11th में। बहुत अच्छे, बहुत। तो कुछ मालूम है यहाँ के बारे में? यस सर, हम लोग यहाँ पर श्री औंगली माल को सर को मतलब उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, हमने पढ़ा भी था। अच्छा, तो अच्छा सर उन्हीं के लिए यहाँ पे आए थे। अच्छा तो क्या पढ़ा था आपने? सर ये जो थे मतलब बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। हाँ। और इन विद्यार्थियों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। अच्छा, अगर अच्छा। जो हम इनके चरित्र को अपने जीवन में उतारें तो शायद हमारा जीवन सार्थक बन जाए। अच्छा आपके औंगली माल के बारे में पूरी जानकारी है आपको? बस सर मुझे जो है बस वही बता रहा हूँ। अच्छा चलिए हम बताते रहें, आप भी सुनो। यस सर। तो जितना इनको मालूम था इन्होंने अपनी तरफ से बोला। दोस्तों है क्या कि बचपन में वो पढ़ने में ठीक ठाक थे, तेज तरार थे और अपने सहपाठियों के बीच में वो हमेशा चर्चा के विषय रहते थे, तो जितने भी सहपाठी थे उनसे ईर्ष्या करते थे और उनके दिमाग में एक षड्यंत्र आया कि इसको कहीं ना कहीं दंडित कराया जाए गुरु के द्वारा। तो सारे सहपाठियों ने मिलकर गुरु के पास एक शिकायत की कि ये जो है गुरु माता पे गलत नज़र रखता है। तो गुरु उन शिष्यों के झांसे में आ जाते हैं और गुरु जो है औंगली माल को बुलाते हैं और बुलाने के बाद में गुरु के दिमाग में एक षड्यंत्र आता है कि इसको ऐसा काम किया जाए कि ये पब्लिक
या जनता ही इसको मार दे। तो गुरु ने जो है गुरु दक्षिणा के रूप में उंगली माल से 1000 लोगों की हत्याओं का गुरु दक्षिणा मांगा। उस टाइम गुरु दक्षिणा मांगना और शिष्य के लिए एक गुरु शिष्य की बहुत बड़ी परंपरा मानी जाती थी। उंगली माल ने जो है वो देखते जाइए पूरा जर्जर है ये, और ये मैंने बोला आपसे कि 10 साल पहले मैं जब आया था तो पूरा खुला हुआ था। ऊपर से चल के हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, तो देखें आप पूरा हुआ क्या कि गुरु शिष्य की परंपरा थी। इधर देखिए पूरा थोड़ा सा अभी जंगल टाइप में है। गुरु शिष्य की परंपरा थी, उंगली माल उस चीज उस परंपरा को निभाते हुए गुरु के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने 1000 लोगों की हत्याओं का जो गुरु दक्षिणा मांगा था गुरु ने उस पर वो चल पड़ते हैं, और वो फिर लोगों की हत्याएं करना शुरू करते हैं। तो उनके दिमाग में एक विचार आता है यार कि हम लोगों की हत्याएं करते हैं लेकिन गुरु ने तो 1000 लोगों की हत्याओं का गुरु दक्षिणा मांगा। देखिए ये दूसरा छोर है, इधर भी एक गेट लगा हुआ है, देखिए बीच में आंगन भी है। यही है वो। तो लोगों की हत्याएं करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में विचार आता है कि भाई हम कैसे लोगों को काउंट करेंगे कि कितने लोगों को मारे, क्योंकि 1000 लोगों की है हत्याओं का गुरु दक्षिणा मांगा है गुरु ने। तो उन्होंने उन लोगों की उंगलियां काट के माला बना के पहनना शुरू किया कि ताकि गिनने में उनको आसानी होगी, इसीलिए उनका नाम उंगली माल पड़ गया, जबकि नाम उनका बचपन में कुछ और था। उंगली माल फिर डाकू के नाम से मशहूर हुए और उनका दहशत पूरे राज्य में होने लगा। अच्छा एक किंवदंती इसके साथ और जुड़ी कि ये गुफा है या फिर लास्ट में जब वो ख़त्म हो गए थे मर गए थे तो उनके कहीं ना कहीं अवशेष बताए जाते हैं, बताते हैं अंतिम संस्कार उनका यहीं हुआ था। कुछ किंवदंतियाँ कुछ जगहों पे लोग ये मानते हैं कि अवशेष। तो 5 मिनट दीजिए मैं बताता हूँ। तो कुछ लोगों का मानना है कि अवशेष भी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और आगे बताते चलें आपको। तो माला बना के पहनना शुरू किए तो लोग उनको लोगों ने उनको नाम दिया उंगली माल का। उनका नाम उंगली माल था नहीं, बचपन में नाम कुछ और था। उनकी दहशत बहुत ज़्यादा हो गई और दहशत होने की वजह से पूरे राज्य में जो, क्योंकि ये कौशल राज आता था, ये मगध जगह है पड़ती थी मगध राज्य में भी, तो मगध राज्य में। और गौतम बुद्ध के बारे में आपको बता दें कि गौतम बुद्ध जी जो है साल में जो 4 महीने हैं बरसात के वो यही श्रावस्ती जनपद में ही बिताते थे। पास में उनकी मंदिर भी है, आपको वो भी दिखाएंगे अगली वीडियो में, पूरा आप देखते चलिए। तो हुआ क्या कि 4 महीने यहीं बिताते थे अपने अनुयायियों के साथ में। तो जब वो अपने अनुयायियों के साथ में जब वो यहाँ आए मगध राज्य में तो लोग गांव के लोग उनका स्वागत तो किए लेकिन साथ में बहुत दहशत में थे, बहुत सारे खौफ में थे। तो गौतम बुद्ध ने देखा जब, तो वो गांव वालों से उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों इतना परेशान दुखी और दहशत में हैं, क्यों डरे सहमे से हैं। तो लोगों ने बताया कि स्वामी जी बुद्ध जी एक डाकू है जो लोगों की हत्याएं कर रहा है और उनकी उंगली काट के माला पहन लेता है। तो ये चीज़ें जो है, देखें वो गुफा के सामने ही मैं खड़ा हूँ और सारी कहानी आपको बताते चल रहा हूँ। ये फिर उसके बाद गौतम बुद्ध जी अगले दिन जो है सुबह सुबह निकल पड़ते हैं जिधर उंगली माल की गुफा थी, बोलते हैं यही वो गुफा है, और इधर से उंगली माल जाने लगते हैं। और हुआ क्या कि ये सब चीज़ें सुन के उंगली माल की जो माता थी वो भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी कि कहीं स्वामी जी को कुछ ना कर दे उंगली माल। ये किंवदंतियाँ अब उसमें से हुआ क्या कि उंगली माल आगे आगे गौतम बुद्ध आगे आगे जा रहे थे। उंगली माल ने जब उनको देखा तो भी वो पीछे दौड़ लगा दी उसने उंगली माल ने गौतम बुद्ध को मारने के लिए और लूटने के लिए। लेकिन गौतम बुद्ध में वो गौतम बुद्ध स्वामी जी थे और उनके अंदर दिव्य शक्तियाँ थी, महान व्यक्ति थे, तो वो दौड़ रहा था उंगली माल और गौतम बुद्ध सिर्फ चल रहे थे। और लेकिन उंगली माल उनको पकड़ नहीं पा रहा था। इसी बीच में जो है उंगली माल ने कहा कि वो सन्यासी रुक, क्योंकि मैं इस
राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ और तुम मुझसे डर नहीं रहा है और ना रुक रहा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम यदि शक्तिशाली व्यक्ति हो तो किसी भी पेड़ के 10 पत्तियाँ तोड़ के लाओ। तो कहा ये कौन सा काम है, वो एक पेड़ से 10 पत्ती तोड़ ले आते हैं। तो गौतम बुद्ध से बोला कि देखो 10 पत्ती मैंने तोड़ लिया। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ठीक है तुम इस 10 पत्तियों को फिर उसी जगह लगा दो। तो बोला ये कैसे हो सकता है। तो बोले तो आप तो सबसे शक्तिशाली अपने आप को बता रहे हो लेकिन आप 10 पत्ती तोड़ के और 10 पत्ती उस जगह नहीं लगा सकते हो तो आप कैसे शक्तिशाली हुए। बोले ये कहाँ से हो सकता है। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि जिस तरीके से आप जीवन दे नहीं सकते तो जीवन ले कैसे सकते हैं, ये आपके पास आपका कोई अधिकार नहीं है। और फिर गौतम बुद्ध जी रुक जाते हैं, बोलते हैं मैं तो ठहर गया लेकिन तुम कम ठहरोगे। इसीलिए अंगुलीमाल की विचार में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और अंगुलीमाल अपने आप का हृदय परिवर्तन उसका उसी समय से होता है और वो डाकू से फिर गौतम बुद्ध जी का अनुयायी बन जाता है और गौतम बुद्ध जी उसको एक नाम देते हैं अहिंसक। यही अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध जी की कहानी रही। आपको बताते कि वही अहिंसक यहीं रह के बगल में कहीं मंदिर है, आपको भी हम आपको दिखाएंगे सारी चीज़ गौतम बुद्ध जी का। और श्रावस्ती एक ऐसा जनपद है जहाँ पे कोरिया से लोग, थाईलैंड से लोग, म्यांमार से लोग, बहुत बड़े बड़े अनुयायी यहाँ आते हैं और आपको यहाँ जब देखेंगे तो एक माहौल ही दिखेगा कि चलो यार ये तो कोरिया माहौल है या जापान से लोग, हर जगह से जो गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के द्वारा मेरा एक ही प्रयास रहा कि जो अंगुलीमाल के बारे में आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे विचार थे और गौतम बुद्ध को लेके उनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल थे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो। अंगुलीमाल की गुफा आप देखें और मैं जितने भी नए व्यूअर हैं मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे की भी वीडियो मिलती रहे। मेरा प्रयास इस वीडियो में यही है कि विदेशों में जो लोग रह रहे हैं भारतीय लोग, वो भी जानें हमारे गौरवशाली इतिहास को और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंगुलीमाल के बारे में हर व्यक्ति जानता है। तो जितने लोगों ने देखा सबको थैंक्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।